अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं, इन इंग्लिश यू कैन से इंडियन पिनव्हील, बट इन कोकनी वी से गौले। तो फॉर दैट वी विल नीड 250 ml मिल्क, हाफ अ कप शुगर, टू एग्स, एंड दिस इज आई गेस 250 ग्राम ऑफ मैदा। ये सब हम एक साथ डाल देंगे इन अ मिक्सर जार। डबल डबल काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मिक्सर जार में ही हम सब चीज ऐड करेंगे। सो एडेड मैदा, आई एम एडिंग शुगर व्हिच इज हाफ कप, एंड मिल्क डाल देंगे, एंड नाउ वी आर ब्रेकिंग सम एग्स, वन एग, टू एग। अच्छा, नाउ फॉर फ्रेग्रेंस वी आर गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ रोज एसेंस। आपको जितना चाहिए आप हिसाब से डाल दीजिए, किसी किसी को ज़्यादा खुशबू नहीं पसंद आती, सो दे ऐड अ लिटिल बिट, पर थोड़ा तो डालना ही पड़ेगा बिकॉज वरना एग की स्मेल आ जाएगी। सो मैंने ब्लेंड कर दी हूँ, यू हैव टू कीप चेकिंग द कंसिस्टेंसी। हमको बहुत थिक बैटर नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा फ्लोई बैटर चाहिए। सो यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इफ यू थिंक कि थोड़ा थिक हो गया है। रनी बैटर चाहिए हमें, लाइक रियली रनी, क्योंकि जितना रनी रहेगा उतने पतले हमारे कलर डाल दिए हैं फॉर दैट येलो कलर। आप चाहे तो ज़ैफ़रान डाल सकते हैं, मैंने ज़ैफ़रान डाल दिया बट उससे इतना कलर नहीं आया, सो दैट इज़ आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ कलर। बैटर हो गया है, इसे निकाल देंगे। मुझे अभी भी थोड़ा थिक लग रहा है, सो आई ऐड वाटर अकॉर्डिंगली। पानी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं। लाइक मिल्क वाली कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, उससे ज्यादा थिक हो गया तो आपकी जो रोटी है बहुत ज्यादा थिक बन जाएगी। सी नाउ दिस इज अ रनी कंसिस्टेंसी। अभी अंदर का फिलिंग बना रहे हैं हम लोग, सो फॉर दैट हम डालेंगे 1 स्पून घी। सारे ड्राई फ्रूट्स जिस जितने में बाइंड हो जाए उतना घी आपको यूज़ करना है। अच्छे से जब घी हीट अप हो जाए तो हम उसके अंदर डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स और उन्हें अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। ये मैंने डाली हूँ बादाम, काजू एंड किशमिश, अच्छे से सॉटे कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और थोड़ी सी खसखस भी डालना है। दिस इज ऑप्शनल, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डाले चलेगा। शुगर अभी अब इसी पॉइंट पे हमें शुगर डालना है, थोड़ी अच्छी तरह से सॉटे हो जाए, फिर डबल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मेक श्योर आप इसे चलाते रहे वरना जल जाएगा, बर्न होने का चांस हो जाएगा। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो अब हम डालेंगे शुगर विच इज अराउंड 5 to 6 स्पून्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हमें इसे तब तक भूनते रहना है जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए और इसका कलर और थोड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा।